के चकेरी थाना अंतर्गत अहिरवा चौकी के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया घेराव। जी हां, आपको बता दें, अहिरवा में गत 24 अक्टूबर को दो पक्षों में जमकर लात खूंसे चले थे, जिसके बाद एक पक्ष ने चौकी पहुंचकर शिकायत पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। दूसरे पक्ष का चौकी में न आने के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा घर पर दबिश की गई। वहीं पीड़ित के अनुसार पुलिस द्वारा कई बार घर पर आकर गाली गलौज कर मामले में संबंधित व्यक्ति को हाजिर करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते आरोपी के भाई को सदमा लग जाने के कारण उसे रिजेंसी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके चलते परिवारजनों व स्थानीय लोगों द्वारा मृतक के शव को अहिरवा चौकी पर रख बड़ी मात्रा में न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अनुसार विगत 24 अक्टूबर को दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही भी की गई थी, जबकि एसपी सत्यजीत ने बताया कि उक्त मामले में एक पक्ष के लोगों द्वारा आज अहिरवा चौकी आकर के अपना विरोध दर्ज कराया गया। मामले की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझा कर सबको पोस्टमार्टम भेज कर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता राहुल भारती की रिपोर्ट। में धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में जो मुलजिम पक्ष है उनके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई है। आज इनके परिवार में ये रोष था कि मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया, लेकिन इसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष जो जिनकी अभी मृत्यु हुई है उनके द्वारा अभी एक तहरीर प्राप्त हुई है मुझे, उस तहरीर पर मैंने थाना चकेरी को आदेशित कर दिया है कि उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। किस तरह से मामला शांत हुआ है, क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला है, क्या किस तरह की कार्रवाई हुई? पुलिस के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी मुकदमा पूर्व में लिखा गया है, जो भी मुकदमा अभी लिखा जाएगा, उसमें निष्पक्ष जाँच होगी, उसमें कोई भी हिलावली नहीं की जाएगी, किसी भी तरह के से उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो कि विवेचना में नहीं किया जा सकता। सौ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ, सौ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जो मृतक है क्या उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना? चूँकि अभी प्रथम दृष्टया कुछ उसका कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जाँच की जाएगी और जो भी उसमें कनेक्शन होगा उसको देखा जाएगा। एक जो मुकदमा संख्या 774/20 लिखा गया था थाना चकेरी पे, जिसमें धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 336 में लिखा गया था, इसमें मुलजिम पक्ष के जो परिवारगण हैं उनके एक सदस्य की मृत्यु हो गई है। जो मुलजिम पक्ष है उनका ये उनके अंदर रोष था कि इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सारी कार्रवाई इनके अगेंस्ट की गई है। इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मैंने थाना चकेरी को आदेशित कर दिया है कि उचित धाराओं में मुकदमा लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाए। अभी तक अभी क्या कमेंट की गई है, आपने क्या सूचना दी गई? जो सूचना मिली उस जो सूचना इनके द्वारा प्रदान की गई है, जो लिखित तहरीर दी गई है, इसके आधार पर मुकदमा लिखने के आदेश कर दिए गए हैं। संभवतः मुकदमा लिख भी गया होगा। मुकदमा लिखने के बाद उसमें चूँकि SC ST धारा भी समावेशित होगी, तो उसकी विवेचना खुद CO द्वारा की जाएगी। मैं तो उसमें बेचक रहूँगा और इंश्योर करूँगा उसमें निष्पक्ष जाँच होगी। इनका कहना है कि चौकी में आप लोग सही दिया करके, लेकिन चौकी में जो है सही आगे पढ़ाई नहीं गई, खाने देंगे क्या है? इसकी जानकारी मुझे अभी है नहीं, इसकी जाँच कर ली जाएगी।